नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। अगर आप कहीं भी जॉब नहीं कर रहे हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आप पार्ट टाइम जॉब भी करते रहें, साथ ही आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते रहें और साथ ही उन वैकेंसी के लिए भी तैयार हो जाएं जहां एक्सपीरियंस मांगा जाता है, तो आज हम आपके लिए ऐसी एक शानदार भर्ती लेके आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो साथ ही विज्ञप्ति जारी की है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी AIC ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि भारत सरकार की कंपनी है। इसमें वैकेंसी आई है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की बिजनेस डेवलपमेंट और रिस्क मैनेजमेंट में, जो कि सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में काम करेंगे। सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में इनका जो टाइम होगा वो 1 साल का होगा, साथ ही उसको 1 साल और बढ़ाया जाएगा, उसके बाद 1 साल और बढ़ाया जा सकता है, यानी टोटल 3 साल के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है। फॉर्म ऑनलाइन है, इसके लिए भरे जाएंगे 8 मई से लेकर 28 मई तक। फीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की रहने वाली है 400 रुपए, वहीं SC ST की रहेगी 100 रुपए। PH कैंडिडेट को कोई भी फी पे नहीं करनी है। फीस का जो पेमेंट है वो आप नेफ्ट के थ्रू करेंगे या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू करेंगे और उसका प्रिंटआउट निकलवा लेंगे। अकाउंट नेम है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड और अकाउंट नंबर है 9200200292278787। बैंक और ब्रांच है एक्सिस बैंक स्टेट्समैन हाउस 148 12 खंबा रोड नई दिल्ली। IFSC कोड है UTIB00000007। आपको यहां फीस पे करनी है और फीस जमा करने के बाद आप उसका प्रिंटआउट निकलवा लेना। अगर हम बात करें वैकेंसी कहाँ कहाँ आई हुई है, तो वैकेंसी आई है असम में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटका में, केरला में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मेघालय में, उड़ीसा में, राजस्थान में, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। टोटल 17 राज्यों में वैकेंसी आई हुई है। क्वालिफिकेशन के बारे में हम आपको बता देते हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है कि या तो आपने डिग्री प्राप्त कर रखी हो या आपके पास डिप्लोमा हो एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, रूरल स्टडीज में, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में, कम से कम 60% मार्क के साथ। वहीं जो कैंडिडेट SC ST वाले हैं उनको 55% पर फॉर्म भरने की छूट दी जाएगी। इसके अलावा आपके पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस मार्केटिंग या फिर रिस्क मैनेजमेंट के फील्ड में। जिस राज्य में आप अप्लाई कर रहे हैं अगर वहां आपके पास एक्सपीरियंस है तो और अच्छी बात होगी। इसके अलावा आपके पास खुद का एक वाहन होना चाहिए और एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, क्योंकि आपको जगह जगह जाना होगा चेकिंग करने के लिए। साथ ही आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और आपको लोकल लैंग्वेज आती हो हिंदी इंग्लिश के अलावा। तो यानी आपको हिंदी इंग्लिश आती हो, साथ ही जिस राज्य के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आती हो, आपको कंप्यूटर का ज्ञान हो, आपके पास बाइक हो। यानी जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग वाले आपने देखे होंगे जिनके पास ये सब चीज़ें होती हैं, वही चीज़ें आपके पास होनी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर बात करें तो मैक्सिमम एज 35 साल है, जो 1 मई 2020 को काउंट होगी। अब बात कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट कितने दिन का रहने वाला है। तो देखो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा 3 साल का, इसको पहले 1 साल के लिए, फिर 1 साल के लिए, फिर 1 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। और आपका काम अगर अच्छा नहीं होता है तो आपको 30 दिन के नोटिस पीरियड के बाद हटा दिया जाएगा। साथ ही आप भी चाहें अगर आपकी कहीं दूसरा जॉब लग गई है तो आप भी 30 दिन का नोटिस देके नौकरी छोड़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है, यानी आपको रिमुनरेशन कितना मिलेगा। तो आपका CTC होगा 3 लाख से लेके 5 लाख के बीच में, जो डिपेंड करेगा आपके लोकेशन ऑफ वर्क, जॉब प्रोफाइल, आपकी परफॉर्मेंस और आपकी एबिलिटी और सुटेबिलिटी के ऊपर। और ये CTC होता है, ये फिक्स भी होता है, वेरिएबल भी होता है, आप जैसा चाहें कंपनी के द्वारा आपको वैसा दिया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। तो यानी आपको 25,000 से लेकर 40,000 रुपए के बीच में सैलरी मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं आपका सिलेक्शन कैसे होगा इस पोस्ट के लिए। तो सिलेक्शन होगा, पहले आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होगा और फिर होगा पर्सनल इंटरव्यू। अगर हम बात करें शॉर्ट लिस्टिंग की, तो शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट की होगी उनके परसेंटेज के बेस पर और एक्सपीरियंस के बेस पर। उसके बाद उनको बुलाया जाएगा ग्रुप डिस्कशन के लिए और पर्सनल इंटरव्यू के लिए। जो ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू है उसके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड किए जाएंगे कंपनी के द्वारा और फाइनली आपको इसी के बेस पर सिलेक्ट किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि आपको आवेदन कैसे करना है। तो देखो एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन, हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। साथ ही आप www.aicofindia.com पे जाके वहां से एडवर्टाइजमेंट फॉर एंगेजमेंट एज डिस्ट्रिक्ट मैनेजर पे जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जो फीस का पेमेंट है वो आप नेट बैंकिंग या फिर नेफ्ट के थ्रू ही करेंगे। इसका UTI ट्रांजैक्शन नंबर अपने पास संभाल के रखेंगे, साथ ही उसका प्रिंटआउट भी निकालेंगे। फोटोग्राफ और सिग्नेचर आप लेटेस्ट अपलोड करेंगे। फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंटआउट निकलवा के अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। तो दोस्तों ये थी जानकारी जो वैकेंसी आई हुई है AIC ऑफ इंडिया में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की, उसके बारे में। 8 मई से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं, लास्ट डेट है 28 मई।
आप 28 मई तक फॉर्म भर सकते हैं। फीस 400 रुपए है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, वही 100 रुपए है एससी एसटी के लिए। तो अगर आपके पास योग्यता है आप आवेदन अवश्य करें, क्योंकि इससे आपको एक फायदा और मिलेगा कि ये 3 साल का जो एक्सपीरियंस है आगे अगर आप किसी बड़ी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं वहां आपको इसका लाभ मिलेगा, साथ ही आपको सैलरी तो मिलेगी ही। हमें उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। अगर पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक कर देना, जो कमी लगी है वो हमें बताना। और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।